आज देश छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शिवाजी महाराज उन देश के वीर सपूतों में से एक थे जिन्हें भारतीय गणराज्य का महान नायक कहा जाता है। वर्ष 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की भी नींव रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने कई वर्षों तक मुगलों से कठिन संघर्ष किया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और मराठा साम्राज्य को झुकने नहीं दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुओं का महानायक भी माना जाता है। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी काफी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास वे बड़े ध्यान से करते थे। वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का खिताब मिला। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। उस दौर में भारत के पश्चिमी हिस्से में तीन इस्लामी साम्राज्य थे, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का रुतबा था। लेकिन तीनों ही आपस में लड़ते रहते थे। रह रहकर मुगल दक्षिण में अपना झंडा बुलंद करने के लिए चाले चल रहे थे। शिवाजी ने अपनी किशोर अवस्था में विद्रोह की शुरुआत करते हुए बीजापुर की चार पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो दौर था जब औरंगजेब अपनी प्रसिद्धि की बुलंदियों पर था। यही वजह थी कि शिवाजी औरंगजेब की आंखों में चुभने लगे थे। जब शिवाजी को छत्रपति या मराठा साम्राज्य के सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, उस समय देश में फारसी भाषा का ज्यादा उपयोग होता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अदालत और प्रशासन में मराठी और संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया था, जो कि उनकी दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम के साथ देश की संस्कृति के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को भी दर्शाता है। शिवाजी पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए नौसेना बल की अवधारणा को पेश किया था।